जिसके बारे में मैं बोल रहा था, इसे घुमाकर फोकस में ला रहा था और फोकस मतलब घटा रहा था, तो इस डायलर से ही मैं कर रहा था। तो वो इस टाइप का लेंस तो आप लोगों ने बहुत ही देखा होगा, यूट्यूब में वीडियोज़ भी देखा होगा कि बहुत सी मतलब कहा जाता है कि DSLR टाइप का है। यहाँ पर देख सकते हो DSLR टाइप का कहा जाता है। तो आज मैं इनका फुल ऑन रिव्यू देने वाला हूँ। मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा क्यों इन सारी लेंस के ऊपर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर करोगे तो डूब जाए। मैं बताऊँगा ये लेंस अगर खरीदोगे तो क्या आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, और उससे भी ज़्यादा नुकसान जो जो देखने को मिलेगा वो सब कुछ बताऊँगा। बस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज़ DG एंड यू आर वॉचिंग डी डिवाइस। तो गाइस आप लोग ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये बिना लेंस के, लेंस मेरे हाथ पे है, ये यहाँ पर देख सकते हो लेंस मेरे हाथ पे है। तो अभी आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे जो बैकग्राउंड में ब्लर कर रहा है DSLR टाइप का, आपको लग सकता है मतलब लग सकता ना ये एक्चुअल में DSLR टाइप का ही किया है इस कैमरा ने। तो एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट पर फोकस है और बाकी जो बैकग्राउंड है वो दूर में है तो ब्लर कर दिया है। तो और ये स्मार्टफोन अगर यूज़ करोगे तो आपको कैसा फुटेज मिलेगा आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं ये फुटेज है और मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि लेंस मेरे हाथ में है, ये बिना लेंस के है, और लेंस डाल के दिखा देता हूँ कैसा पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। बहुत ही जूम करके दिखाएगा और देखते हैं अभी। तो इसे मैं फिट करता हूँ। तो पहले तो आपको इस चीज़ को कैमरे के मिडिल में लाना होगा, कैमरे के मिडिल में सेट करना होगा सेंटर में। ओके मेंस कैमरा में मैं करता हूँ, तो पहले इसको अटैच करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेन लेंस पे अटैच कर दिया है, आप इस लेंस को इसके अंदर फिट करेंगे। तो ये है लेंस, तो इसके अंदर डाल देंगे अभी। तो प्रॉब्लम ही बताऊँगा और बेनिफिट भी मैं बताऊँगा। बेनिफिट सिर्फ एक चीज़ का है, प्रॉब्लम हर चीज़ का है। तो पहला प्रॉब्लम आप यहाँ पर नोटिस कर चुके हो कि सिर्फ गोल एरिया एक दिखा रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं दिखा रहेगा। आपको इसको सेट करने के लिए पहले जूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। तो अभी 2.9x का जूम क्या है, उसके बाद फोकस करने के लिए यहाँ पर एक डायलर दिया गया है, इस डायलर को घुमाने पड़ेगा। तो मैं इसे घुमाता हूँ, उसके बाद फोकस में लाता हूँ चीज़ को, जो भी चीज़ देख सकते हैं कितना दूर का चीज़ भी यहाँ पर करीब में आ चुका है और बहुत ही सेकी सेक हो रहा है, क्योंकि मेरा हैंड थोड़ा सा भी अगर सेक करता है तो ये ऐसे ही सेक ही लगेगा, क्योंकि बहुत दूर का चीज़ है वो। तो अगर थोड़ा सा भी हाथ हिलेगा तो यहाँ पर सेकनेस जो देखने को मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसे आप फोकस में ला सकते हो, फोकस आउट भी कर सकते हो, और जो ये बैकग्राउंड ब्लर कर देता है ना, तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही होता है, सब्जेक्ट में नहीं होता है। सब्जेक्ट में होता है सिर्फ अगर एक मैन के फेस को अगर आप फोकस करना चाहो तो वो पॉसिबल है, बाकी जो चीज़ बैकग्राउंड में ब्लर कर देगा, लेकिन पूरी सब्जेक्ट को फोकस में रखकर बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर सकते ये लेंस। एक्चुअल में लेंस तो नहीं करते, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट सामने आ जाते हैं तो बाकी बैकग्राउंड ब्लर कर देते हैं, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया था। इसके बाद आप यहाँ पर, मैं लेंस को खोल देता हूँ, आप फुटेज देख लो। तो ये नॉर्मल फुटेज है, ओके ये नॉर्मल। वहाँ पर पहले जूम किया था मैं, और प्रॉब्लम मैं अभी आप लोग को और भी थोड़ा जो प्रॉब्लम है उसको बताता हूँ। देखिए ये लेंस भारी भरकम लेंस है, ओके आप चाहो तो एक छोटा सा ट्राइपॉड दिया है इसे अटैच कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्राइपॉड मतलब थोड़ा सा मतलब इतना से ही बड़ा है, इतना से बड़ा है, ओके तो ये ज़मीन तक नहीं जा सकता। अगर ट्राइपॉड में ये लेंस लटका दोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि फ़ोन को कहाँ लटकाओगे आप, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। इस लेंस का सिर्फ एक ही खास बात है कि ये दूर की चीज़ को करीब ला सकते हैं, उसके बाद पिक्चर या फिर वीडियो शूट कर सकता है, तो यही एक खास बात है। बाकी जो ये डायलर है, हाँ आपको पहले जिसके बारे में मैं बोल रहा था, इसे घुमाकर फोकस में ला रहा था और फोकस मतलब घटा रहा था, तो इस डायलर से ही मैं कर रहा। तो वो ये एक DSLR टाइप का बन जाता है ये एक फीचर्स, लेकिन ये DSLR लेंस नहीं है, DSLR की तरह काम नहीं कर सकता है, बहुत ही प्रॉब्लम होगा। आप अच्छे से पिक्चर बिल्कुल भी नहीं क्लिक कर सकते, अगर क्लिक कर भी लोगे तो बहुत बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। सिर्फ एक काम आता है जूम के लिए और बाकी किसी भी तरीके से काम नहीं करता है ये लेंस।
ओके तो आप लोग को मैं सैंपल दिखा देता हूँ कितने जूम तक ये जूम कितना ये जूम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जूम का क्या क्या फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस आप लोग देख लो ये जूम कर किया है, मतलब लेंस लगा के और लेंस घटाने के बाद आप ऐसा पिक्चर क्लिक कर सकते हो। और एक आपको सैंपल दिखा देता हूँ ये लेंस के बिना क्लिक किया है पिक्चर और पेड़ के पास फोकस में लाते लेंस लगाने के बाद देखिए ऐसा पिक्चर आता है, बिल्कुल घटिया। तो ये लेंस आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं, मतलब ये मतलब सिर्फ यही नहीं इस टाइप का बहुत सारा लेंस आता है। तो मेरी ये सलाह है अगर आपका पैसा प्यारी है तो प्लीज़ आपके पैसे को प्यारी रखने दीजिए, इन सारे लेंस के ऊपर इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मतलब मत कीजिएगा, एक थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। सिर्फ आप सिर्फ जूम कर सकते हो, जूम करके झांक सकते हो दूसरे के घर में। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस टाइप के लेंस के ऊपर या फिर छोटा मोटा 300-400 रुपए में जो लेंस मिलता है उसके ऊपर, लेकिन वो भी लेंस और ये भी लेंस आपको नहीं खरीदना चाहिए। मोबाइल के लिए अगर लेंस लेना चाहते हो तो छोटा वाला आता है, उस टाइप का लेंस अगर खरीदना चाहो और अगर आपके पास पैसा है उतना तो आप खरीद सकते हो। इन सारे लेंस का मतलब ऊपर पैसा है बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना, मैं पहले ही कह दिया हूँ। और जो छोटा लेंस होता है उसको मतलब होल्ड स्टैंड कर लेके नहीं, कोई ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो छोटा वाला एक ट्राइपॉड दिया गया वो अभी घर में है, मतलब यही घर ये भी घर है, मैं एक्चुअली मेन घर में है तो मैं अभी नहीं लाया हूँ, तो वो ट्राइपॉड से इसको स्टैंड करना पड़ता है और वो ट्राइपॉड भी इतना ही छोटा है। अगर मेन ट्राइपॉड मतलब जो बड़ा बड़ा ट्राइपॉड आता है उनके ऊपर अगर फिट करा दोगे जैसे मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ, तो उसके बाद अगर छोटा बड़ा ट्राइपॉड लगा दोगे तो ऐसे लटकेगा। अगर ट्राइपॉड नहीं लगाओगे तो ये फिट ही नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब बहुत सारे कुछ हो जाता है। तो प्लीज़ बचो इन सारे लेंस से बचो। वो छोटा मोटा 300-400 रुपए वाला भी लेंस मत लेना। यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हैं DSLR टाइप का लेंस, DSLR ये है, DSLR वो कर दिया, ब्लर कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर खरीद सकते हो तो प्रीमियम खरीदो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो का अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और नीचे कमेंट भी कर दीजिए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।